ठीक है सर। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास होंगे, है ना। और अपना जो एसएससी का प्रोटेस्ट चल रहा है वो प्रॉपर चल रहा है। आपको पता भी है कि गवर्नमेंट धीरे धीरे अब एक्शन मोड में आ रही है, काम कर रही है ना। एसएससी बोर्ड भी अब तेज़ी से काम करना स्टार्ट किया है, तो हम लोग को इस बात के लिए तैयार रहना है कि हमको अपना प्रोटेस्ट यहीं ख़त्म नहीं करना, हमको अपना प्रोटेस्ट अभी आगे तक लेके चलना है ना। जब तक इस प्रॉपर सिस्टम में परिवर्तन नहीं होता तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं है ना। तो ये बात अपने मन में बना लीजिएगा। और इस प्रोटेस्ट की वजह से आपका पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाए वो उचित नहीं है। अरे बात समझ में ना, इसीलिए ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि अपनी पढ़ाई साथ साथ होती रहे, अपनी चीज़ें कंटिन्यू चलती रहें, और उसके बाद फिर जो है ना वो प्रोटेस्ट हो। क्लियर है? तो सबसे पहले प्रायोरिटी पर जो होनी चाहिए वो अपनी पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारा आप लोगों का वार्म वेलकम करते हैं ना, बहुत वेरी गुड मॉर्निंग करते हैं आप लोगों का। और हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास आज, है ना। आज न्यूज़पेपर वाली क्लास हम लोग प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से थोड़ी बातचीत हो जाए, है ना। तो विशाल पाल, वेरी गुड मॉर्निंग। ब्रजेश यादव, गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। पारुल चौरसिया से हम कमेंट्स ऑफ कर दिया गया, नहीं, ऐसा नहीं है। सचिन राजभर, सुप्रभात सर जी, सूरज यादव, गुड मॉर्निंग सर। सोनम यादव, वेरी गुड मॉर्निंग। सोनम यादव, डिसलाइक वाला ऑप्शन बंद कर दिया गया है। सुधा मदेसिया, गुड मॉर्निंग सर जी। मोहम्मद अली मंसारी, गुड मॉर्निंग। सत्येंद्र यादव, यस संज्ञा सुमन, यस वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। निशा राय, गुड मॉर्निंग। शिवम यादव, कमेंट्स ऑफ कर दिया, नहीं ऐसा नहीं है शिवम बाबू, है ना। नीरज पटेल, वेरी गुड मॉर्निंग। शुभम वर्मा, वेरी गुड मॉर्निंग। रिंकू सिंह, गुड मॉर्निंग सर जी, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, है ना। सूरज यादव, सचिन राजभर, सुधीर कुमार, अदिति शर्मा, विशाल पाल, ब्रजेश यादव, पारुल चौरसिया, शिवम, सचिन राजभर, विपिन विश्वकर्मा, शुभम, शिवम, पारुल, अंश, सोनम, आशुतोष, मुकेश, शुभम, सत्येंद्र, अभिषेक, सोनम, संध्या, शिवम, मॉर्निंग बेटा। प्रांशु गुप्ता, वेरी गुड मॉर्निंग, है ना। और सत्येंद्र यादव, सर बहुत हैंडसम लग रहा है, अच्छा ये बात है क्या। सुधीर कुमार, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। शुभम सिंह, गुड मॉर्निंग बेटा, है ना। तो जल्दी जल्दी फटाफट एक शेयर कर दीजिए, है ना, एक बार फटाफट शेयर कर दीजिए। और शेयर करके कुशल कुमार, गुड मॉर्निंग जी बेटा, बहुत सारा गुड मॉर्निंग है, एक बार फटाफट शेयर कर दीजिए। और शेयर करने के बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग, एक एक पॉइंट लेके हम लोग चलते हैं आज, है ना। और आज हम न्यूज़पेपर में आप लोगों को सिर्फ एक है सेंटेंस पढ़ाऊंगा, है ना। आज का जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर में हम लोग आज सिर्फ एक सेंटेंस पढ़ेंगे, अ सिंगल सेंटेंस पढ़ेंगे न्यूज़पेपर में। आज हम लोग सिंगल सेंटेंस पढ़ेंगे, लेकिन इस सेंटेंस में आज हम लोग सबसे ज़्यादा जो पढ़ने वाले हैं वो वर्ड पावर है। आज जो इस सेंटेंस में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो ज्यादा से ज्यादा जो कवरेज होगा वो वर्ड पावर का होगा, और वर्ड पावर का हर एंगल देखने की कोशिश करेंगे हम लोग, है ना। तो आज का सेशन थोड़ा अन्य सेशनों से बिल्कुल अलग होने वाला है, अरे बात समझ में ना। तो जो अदर सेशंस थे उनसे ये थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, और थोड़ा क्या, बहुत डिफरेंट होने वाला है। और वर्ड पावर के बाद जो अपनी दूसरी प्रायोरिटी रहेगी वो रहेगी ग्रामर की, ठीक है ना। और ग्रामर के बाद जो अपनी तीसरी प्रायोरिटी रहेगी वो रहेगी कॉम्प्रिहेंशन की या मीनिंग की आज, है ना। तो ये मान के चलिए कॉम्प्रिहेंशन या मीनिंग की। अभी हम लोग लगभग 15 दिन से जो क्लास है अपनी उसमें हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते चल रहे हैं, एक एक वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच देख रहे थे हम लोग कि कैसे चीज़ें होती हैं, ये हम लोग समझते हुए चल रहे थे। लेकिन अब वो टाइम मुझे लगता है कि ऐसा आया है कि जब हम लोगों को थोड़ा सा और एडवांस सेक्शन की तरफ चलना चाहिए, क्योंकि लगभग लगभग जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। सत्येंद्र यादव, सर आप पीडीएफ क्यों नहीं बोर्ड में डाउनलोड कर देते हैं सर, अच्छा होगा। हाँ सत्येंद्र यादव, आपका बिल्कुल सही है कि यार हम इसको पीडीएफ यहीं डाउनलोड कर दें और काम बन जाए। लेकिन यार पीडीएफ ना उतना इनलार्ज नहीं हो पाता, उतना छोटा नहीं हो पाता, आपको चीज़ें क्लियर बहुत दिख नहीं पाती, बहुत सारे इशूज रहते हैं। इसलिए न्यूज़पेपर द हिंदू का एक आर्टिकल हम लिख लेते हैं और लिख करके आपको समझा देते हैं, जहां अपने पास ढेर सारे ऑप्शंस होते हैं कि हम इसको कैसे समझा पाए। अरे बात समझ में ना। तो एक्चुअली इस वजह से मैं यहां लिखने की कोशिश करता हूं, है ना। तो लिखने के पीछे कोई और दूसरा पर्पज नहीं, कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है, बल्कि उद्देश्य यह है कि आपको थोड़ा सहूलियत हो, है ना। अल्टीमेटली चीजों को सीखना है, न्यूज़पेपर के पीडीएफ से क्या फायदा होने वाला है ना। नहीं जैसा कहेंगे आप लोग मैं वैसा ही करना स्टार्ट कर दूंगा, है ना। ओके क्लियर है बेटा। सचिन राजभर, योगेश भाई, अरे यार ऐसे वर्ड्स यूज ना करिए, है ना। अर्पित दुबे, खुश रहिए बेटा।
सूरज यादव सर मैं शेयर नहीं कर सकता, अगर शेयर करूंगा तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। अच्छा योगेश गुड मॉर्निंग सर जी बेटा, गुड मॉर्निंग डियर सर सत्येंद्र यादव जी बेटा, मैं देखूंगा अगर चीज़ें हो जाती हैं, मैं टेक्निकल टीम से बात करूंगा, अगर वो प्रॉपर एग्जैक्ट मतलब चीज़ें बहुत स्पष्ट दिख रही हो, इस पर क्लियर दिख रही हो, तब तो मैं करूंगा, अदरवाइज हम लोग इसी में ट्रबल करते रहे 1 घंटे की क्लास में कि यार चीज़ें हो पा रही कि नहीं हो पा रही है ना। ओके चलिए, तो मैं आज सबसे पहले आप लोगों को एक लाइन लिख देता हूँ जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, सबसे पहला है आज न्यूज़पेपर द हिंदू का ये आर्टिकल है जिसे हमको आपको समझाना है ना। लिखा है कि द पुलिस, अब देखते चलेगा, मैं आप लोगों का अभी कमेंट नहीं ले पाऊंगा, लेकिन मैं उन सभी वर्ड्स को अंडरलाइन करते चलूंगा जहां से सवाल बनने की संभावना ज्यादा है। द पुलिस ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे ऑन वेडनेसडे लॉज्ड, यहां करता है द पुलिस ऑन वेडनेसडे लॉज्ड। अब देखिए सवाल यहां से भी बनेगा, यहां से भी बनेगा और यहां से भी बनेगा, वर्ड मीनिंग का समझते चलिएगा बेटा, है ना। ओके लॉज्ड अ केस अगेंस्ट, अ केस अगेंस्ट, अ केस अगेंस्ट दोज, अ केस अगेंस्ट दोज, लिखते चलिएगा बेटा दोज हु रेज्ड, हु रेज्ड। अब देखिए क्वेश्चन यहां से भी बना, हु रेज्ड है ना, हु रेज्ड प्रो आजादी, प्रो आजादी, प्रो आजादी जिसको बोलते हैं फ्रीडम है ना, प्री सॉरी प्रो आजादी। ये सेंटेंस लिखा कि द पुलिस ऑन वेडनेसडे लॉस्ड अ केस अगेंस्ट दोज हु रेज्ड प्रो आजादी, ब्रैकेट में फ्रीडम लिखा हुआ है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या लिखते चलिएगा, लिखते चलेंगे तो ज्यादा बेहतर है, प्रो आजादी है ना। उसके बाद फिर प्रो आजादी एंड एंटी इंडिया, एंड एंटी इंडिया यानी भारत विरोधी, एंटी इंडिया स्लोगन्स नारे, स्लोगन्स ड्यूरिंग। अब देखिए ये भी महत्वपूर्ण शब्द है, एक एक वर्ड से क्वेश्चन आ रहा है, ड्यूरिंग अ मुहर्रम, ड्यूरिंग अ मुहर्रम, ड्यूरिंग अ मुहर्रम प्रोसेशन, देखिए क्वेश्चन यहां से कई बार बना इस वर्ड से, प्रोसेशन मतलब होता है जुलूस, प्रोसेशन ऑन द, ऑन द, ऑन द आउटस्कर्ट्स, आउट स्कर्ट्स। अब देखिए क्वेश्चन यहां से भी बना नाउन में, आउटस्कर्ट्स ऑफ श्रीनगर है ना, श्रीनगर। आज हम लोग इतनी ही लाइन बस पढ़ने वाले हैं, आज बस हम लोग इतनी लाइन पढ़ने वाले हैं और इसी लाइन में देखिएगा कि कितने कितने क्वेश्चन आपके सामने बन के आने वाले हैं। अरे बात समझ में, तो बहुत तैयार रहिएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर आप लिख रहे हैं तो इसको लिखते चलिएगा, है ना। ठीक है बेटा, रोशन राजभर गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग बेटा, योगेश कुमार इट्स ओके, ठीक है ना। चलिए बनाते चलिए योगेश कुमार, ठीक है। चलिए अब देखिए जरा उसके पहले आते हैं बेटा, पढ़ने पे ध्यान दीजिए है ना बहुत। हाँ रोशन राजभर आउटस्कर्ट सर से बाहर, जी बेटा बाहरी हिस्सा होता है ना, तो बहुत क्लियर बनाए रखिए अपने दिमाग में कि हम लोगों को क्या करना है एग्जैक्टली, है ना। देखिए लिखा हुआ सेंटेंस में कि द पुलिस ऑन वेडनेसडे, अब देखो जरा यहां से भी एक क्वेश्चन है और इसके पहले भी एक क्वेश्चन है एसएससी में, और लॉस्ड यहां से तो कई प्रश्न पूछे गए एसएससी में, लॉस्ड अ केस अगेंस्ट, ये अगेंस्ट वर्ड जो लिखा है यहां से भी प्रश्न है, दोज हु यहां से भी प्रश्न है, हु से रेज्ड यहां से भी ग्रामर के प्रश्न है, यहां से वर्ड मीनिंग के प्रश्न है लॉस्ड से, और रेज्ड से जो है वो ग्रामर का क्वेश्चन है, प्रो आजादी है ना, एंड एंटी इंडिया स्लोगन, स्लोगन की वर्ड मीनिंग पूछी गई, ड्यूरिंग ये प्रीपोजिशन का इस्तेमाल पूछा गया, ड्यूरिंग का क्या होता है, अब मुहर्रम प्रोसेशन, प्रोसेशन से वर्ड मीनिंग का स्पेलिंग करेक्शन का सवाल पूछा गया, ऑन द आउटस्कर्ट्स यहां से एसएससी में नाउन से क्वेश्चन पूछा गया कि ये नाउन सिंगुलर नंबर में है या प्लूरल नंबर में है, ऑफ श्रीनगर,
तो आज हम लोग वर्ड मीनिंग का एक बात समझिएगा कि हम लोग जब भी पढ़ेंगे तो एक बात क्लियर करेंगे कि आज हम लोग थोड़ा वर्ड मीनिंग पे ज्यादा ध्यान देने वाले हैं, है ना। मैं सबसे पहले इसकी आपको एक बार मीनिंग बता देता हूं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। लिखा है कि द पुलिस ऑन वेडनेसडे, अब जो पुलिस है वो बुधवार को लॉस्ड, लॉस्ड का मतलब क्या होता है, लॉस्ड देखिए दो वर्ड होता है, लॉस्ड या तो नाउन होता है या तो वर्ब होता है। जब लॉस्ड नाउन होता है तो इसकी मीनिंग होता है ठहरने का स्थान, कोई होटल या सराय वगैरह, है ना। और एक लॉज का मतलब होता है किसी के बारे में कोई स्टेटमेंट देना, उसको हम बोलते हैं लॉज। अ केस, एक केस, एक मामला अगेंस्ट के विरोध में। अब लॉज के साथ जब ये किसी के खिलाफ कुछ बोलना होता है, कोई स्टेटमेंट देना होता है, तो लॉज के साथ लगने वाला जो फिक्स पोजिशन होता है या उसके साथ आने वाला जो प्रीपोजिशन होता है वो अगेंस्ट होता है या तो विथ होता है। दोज हु रेज्ड, उन लोगों के खिलाफ, हु ये रिलेटिव प्रोनाउन है, जो रेज्ड। अब ये रेज के साथ भी एक कंडीशन है, एक वर्ड रेज, एक वर्ड रेज होता है आर ए आई एस, जिसका मतलब होता है उठाना, है ना। और एक होता है राइज, आर आई एस ई, खुद उठना। एक रेज होता है आर ए आई एस ई, जिसका मतलब होता है उठाना जानबूझकर, और एक होता है राइज, आर आई एस ई, राइज, राइज का मतलब अपने आप उठना होता है बिना प्रयास के, या उगना होता है। प्रो आजादी, अब देखिए यहां से ग्रामर में क्वेश्चन पूछा गया, प्रो आजादी यानी स्वतंत्रता से संबंधित। और आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा, एंड एंटी इंडिया और भारत विरोधी स्लोगन्स यानी नारे। स्लोगन्स की स्पेलिंग से क्वेश्चन पूछा गया। ड्यूरिंग पूछा गया कि ड्यूरिंग का इस्तेमाल कैसे होगा, कंजंक्शन या प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन से। अब मुहर्रम प्रोसेशन, अब देखो जरा इसके प्रोनंसिएशन से क्वेश्चन एक्चुअली क्या है कि यहां से आपके स्पेलिंग एरर का कई बार सवाल बना है, तो स्पेलिंग को हमें ध्यान में रखना है। ऑन द आउटस्कर्ट्स, अब ये आउटस्कर्ट्स ऐसा नाउन है जो हमेशा प्लूरल नंबर में इस्तेमाल होता है, अगर हम इसको सिंगुलर नंबर में इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो सवाल जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑफ श्रीनगर, श्रीनगर के। तो आज हम लोग एक एक वर्ड पे चर्चा करने की कोशिश करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज चल रहा है। द पुलिस, अब देखना पुलिस जो नाउन है, पुलिस के पहले डिटर्मिनर का प्रयोग हम कर सकते हैं, पुलिस के पहले किसका प्रयोग होता है, द का प्रयोग हो सकता है। तो एक एक पॉइंट बना के लिखेंगे। हिमांशु प्रजापति, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। प्रवीण यादव, गुड मॉर्निंग। हिमांशु प्रजापति, गुड मॉर्निंग बेटा। प्रवीण यादव, वेरी गुड मॉर्निंग, है ना, बहुत गुड मॉर्निंग। सुधीर कुमार सर, मैं नोट कर रहा हूँ, आप जल्दी से नेक्स्ट कर देते। नहीं बेटा, बिल्कुल नेक्स्ट नहीं कर रहा हूँ, आपके सामने है ना। हिमांशु प्रजापति, ओके। सुधा मदेसिया, डेट और डे के पहले प्रीपोजिशन ऑन लगता है, जी बेटा जी। चलिए लिखते चलिए फटाफट। ऑफलाइन क्लास कब से स्टार्ट होगा, प्लीज टेल मी सर जी। बेटा अभी कोई गाइडलाइन नहीं गवर्नमेंट की तरफ से, है ना। चलिए देखिए जरा, अब ये पुलिस जो शब्द लिखा है, आप समझिए, मैं एक एक चीज आपको नोट कराते चलता हूं, आप नोट करते हुए चलिए। क्या लिखा हुआ है, पुलिस, पुलिस जो शब्द है, पुलिस के पहले डिटर्मिनर द का प्रयोग हो सकता है या होता ही है, क्योंकि बहुत बार हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते कि पुलिस के पहले डिटर्मिनर द लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि न्यूज़पेपर में हम लोगों ने पढ़ा तो पुलिस के पहले डिटर्मिनर द जो है वो लगा हुआ है, यानी अगर डिटर्मिनर लगा हुआ है सेंटेंस में तो हमें इस आधार पर गलत नहीं करना है कि पुलिस के पहले डिटर्मिनर द नहीं लगेगा। पुलिस नाउन और इसके पहले स्पेसिफिक डिटर्मिनर द का प्रयोग होता है, तो यहां एक लाइन आप बना लीजिएगा कि पुलिस के पहले डिटर्मिनर द का प्रयोग होता है, पुलिस वर्ड के पहले, के पहले, के पहले डिटर्मिनर द या आर्टिकल द का प्रयोग होता है, का प्रयोग, का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता, का प्रयोग होता है। बना लीजिएगा बेटा फटाफट, लिखते चलिएगा इसको, है ना, फटाफट जितना जल्दी हो सके इसको लिखते चलिएगा। सुनील कुमार, गुड मॉर्निंग सर। मोहित तिवारी, गुड मॉर्निंग सर। नवनीत दुबे, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। हिमांशु प्रजापति सर डेली, जी बेटा रोज क्लास चलती है, ठीक है ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, लिखते चलिए फटाफट, है ना। आज के सेशन में ये मान के चलिए कि हम लोग वर्ड मीनिंग पे बहुत ज्यादा काम करने वाले हैं, है ना। अब जरा पीछे आते हैं, देखिए लिखा हुआ है ऑन वेडनेसडे। अब एक्चुअली होता क्या है ना कि ऑन दिन और तारीख के नाम के पहले प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग होता है कई बार। ये तीसरा दिन है जब मैं आपको यही बात बता रहा हूं कि दिन और तारीख, दिन और तारीख के नाम के पहले, दिन और तारीख के नाम के पहले, दिन और तारीख के पहले प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग होता है, जिसमें अगर हम लोग इसका गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं, वेडनेसडे नहीं होता है, इसमें डी जो होता है वो साइलेंट होता है, इसमें डी क्या होता है, इसमें डी जो होता है वो साइलेंट होता है, इसमें क्या बोलता है, वेंसडे। इसका जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होता है बेटा,
आप समझने की कोशिश करिए कि दिन और तारीख के पहले, दिन और दिनांक के पहले प्रीपोजिशन किसका प्रयोग होता है? ऑन का प्रयोग होता है। मैं आपको यहां लिख देता हूं, ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट है क्या, डे और डेट के पहले, डे और डेट के पहले क्या लगता है, डे और डेट के पहले प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग होता है, ठीक है ना। प्रीपोजिशन किसका प्रयोग होता है, ऑन का, कई बार बता चुका हूं, फिर से बता दिया है ना। अब देखना जरा, वेडनेसडे जो है ना, ये जो वर्ड है इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, इसमें जो डी है वो साइलेंट है और हम लोग सीधे क्या पढ़ते हैं, वेडनेसडे। हम लोग का जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होता है वो क्या होता है बेटा, वेडनेसडे होता है। क्या होता है, वेडनेसडे होता है। क्लियर हो रही बात, लॉस्ड। अब देखना जरा इस लॉस्ड शब्द को देखने की कोशिश करना। लिखा हुआ हिमांशु, गुड मॉर्निंग सर जी बेटा, गुड मॉर्निंग विकास, सॉरी विपिन विश्वकर्मा ऑन गौरव सिंह, पुलिस सिंगुलर नंबर की तरह दिखाई देता है बट ये प्लूरल नंबर का नाउन होता है। जी बेटा गौरव सिंह, गुड मॉर्निंग सर। संतोष कुमार, गुड मॉर्निंग। वंशिका विश्वकर्मा, डे एंड डेट के पहले, जी बेटा जी। सूरज यादव सर, तो पुलिस सर, द पुलिस का मतलब लोग आते हैं, जी बेटा ओके। अब देखना जरा इस लॉस्ड शब्द की तरफ चलो, ये लॉस्ड जो वर्ड है ये सबसे महत्वपूर्ण शब्द है, जरा इस पे चर्चा करना जरूरी है। इस पे हम लोग कम से कम आज 5-7 मिनट चर्चा करने वाले हैं लॉस्ड शब्द के साथ। जरा देखना ये जो शब्द लिखा हुआ है लॉज, अब ये जो लॉज वर्ड लिखा हुआ है LODGE लॉज, सबसे पहले तो आप इसका प्रोनंसिएशन देखने की कोशिश करें कि इसका जो उच्चारण हो रहा है वो कैसे हो रहा है। आप देख रहे हैं कि यहां इसके लास्ट में जी है और जिस वर्ड के जी है ना और जी के पहले डी है, लॉज, ज पढ़ रहे हैं हम लोग, ना कि डी का प्रोनाउंस कर रहे हैं हम लोग, यानी डी का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है, हम लॉज पढ़ रहे हैं। जैसे आप मान लीजिए ब्रिज लिखा हुआ है, BRIDGE ब्रिज, अब ब्रिज में देखो ना यहां डी का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है, ब्रिज में डी का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है, जैसे लॉज में डी का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, खैर हम लोग इसके आगे बात करेंगे तुरंत, लेकिन जरा समझने की कोशिश करिए कि प्रोनाउंसिएशन कितना महत्वपूर्ण है इस शब्द का, है ना। अब लॉज है, ये क्या है, इसका दो स्टेटस होता है लॉज, या तो क्या है, या तो ये नाउन हो सकता है और या तो ये क्या हो सकता है बेटा, या तो ये वर्ब हो सकता है। अब नाउन का जब सिनोनिम बनेगा तो नाउन का सिनोनिम अलग बनेगा और जब वर्ब है तो वर्ब का सिनोनिम अलग बनेगा, लेकिन मीनिंग में जरा अंतर होगी। देखो लॉज, लॉज जब नाउन होता है तो इसकी मीनिंग होती है ठहरने का स्थान, ठहरने का स्थान। लॉज मतलब क्या होता है, ठहरने का स्थान। क्या हो सकता है, कोई कमरा हो सकता है, किसका, होटल का, प्रायः किसका हो सकता है, कमरा हो सकता है किसी होटल का। अब लॉज ये ठहरने का स्थान था, अब वर्ब हो जाएगा तो इसकी मीनिंग हो जाएगा ठहरना या रुकना, ठहरना या रुकना, लॉज करना, ठहरना या रुकना। अब दूसरी मीनिंग क्या होगी, इसकी एक महत्वपूर्ण मीनिंग होती है, किसी के लिए कोई स्टेटमेंट देना, लिखते चलेगा बेटा, किसी के लिए कोई स्टेटमेंट देना, लिखते चलेगा एक एक वर्ड इसका, लिखते चलेगा। लॉज क्या है बेटा, लॉज नाउन है और जब नाउन है तो मीनिंग होता है ठहरने का स्थान या कमरा होटल का, ठीक है, और जब वर्ब होता है तो इसकी मीनिंग होती है ठहरना या रुकना या किसी के लिए कोई स्टेटमेंट या किसी के लिए कोई स्टेटमेंट जारी करना, किसी के लिए कोई स्टेटमेंट जारी करना या कोई स्टेटमेंट देना। आ रही बात समझ में, बनाते चलिए बेटा एक एक वर्ड जी, जहां हम स्टूडेंट है जी बेटा। गौरव सिंह पूछ रहे हैं सर ऑफलाइन क्लास कब तक स्टार्ट होगी, बेटा अभी कोई आइडिया नहीं है। नीवी यादव बता रही है सर फ्रिज में भी वही स्थिति है, जी बेटा अभी हम आपको ढेर सारे वर्ड बताते हैं और उसके रीजन के साथ बताएंगे आपको कि एक्चुअली क्या होना चाहिए, है ना। चलिए लिखते चलिए, लिख लिया बेटा ओके, आगे बढ़ते हैं जरा। अब देखना इसका सिनोनिम समझना, अब लॉज वर्ब भी है और नाउन भी है, तो सबसे पहले वर्ब का सिनोनिम हम लोग देखते हैं जिसका मीनिंग क्या होता है, किसी के खिलाफ कोई स्टेटमेंट देना या कोई बात कहना, तो सिनोनिम। अब देखना क्वेश्चन कहां कहां से पूछा गया, अब देखना जरा इसके लिए क्या होता है सिनोनिम, इसका जो वर्ब का सिनोनिम होता है वो सबसे पहला होता है अकोमोडेट, अकोमोडेट ये वर्ड लिखा, सबसे पहले क्या लिखा गया, अकोमोडेट शब्द लिखा गया। अब जरा इसकी स्पेलिंग भी देख लेना, अकोमोडेट की स्पेलिंग देखना, ACOMODATE
DATE, accommodate, ये क्या है? ये वर्ब है ना? तो आप ध्यान रखना कि लॉज जब वर्ब होगा तो इसका सिनोनिम भी क्या होना चाहिए, इसका सिनोनिम भी वर्ब भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पता चला आपने यहां एडजेक्टिव चिपका दिया, नाउन चिपका दिया, एडवर्ब चिपका दिया, तो ये काम आपको नहीं करना है। एकोमोडेट फटाफट लिखते चलिएगा, स्क्रीनशॉट मत लीजिए, इसको एक एक वर्ड इसका लिखते चलिएगा। आ रही बात समझ में ना? आ रही बात समझ में ना? अब एकोमोडेट की मीनिंग समझिए। लॉज का मतलब होता है ठहरना, रुकना। लॉज का मतलब क्या होता है? ठहरना और रुकना। और क्या होता है? किसी के लिए कोई स्टेटमेंट जारी करना या किसी को कुछ कहना। अब देखना जरा, अकोमोडेट इसका सिनोनिम तो है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो समझिएगा। अकोमोडेट दोनों सिनोनिम है, आप समझिए ना, सिर्फ सिनोनिम रटना महत्वपूर्ण नहीं है। मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि सिनोनिम रटना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि दो सिनोनिम के बीच में जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो समझना जरूरी है। क्योंकि जब क्लोज टेस्ट आएगा, जब पैसेज आएगा, तो आपको उनके बीच का अंतर समझ करके आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना पड़ेगा। क्योंकि जब आप लॉज और अकोमोडेट के बीच का अंतर नहीं कर पाएंगे तो सवाल आप हल बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? रोशन राजभर, निवास होता है अकोमोडेट, ऋषि प्रजापति अकोमोडेट की मीनिंग। सर बताते हैं बेटा, पहले समझ तो लीजिए कि हमें क्या करना है। हमें यह देखना है कि लॉज और अकोमोडेट के बीच का अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। आ रही बात समझ में ना? अब देखना जरा, अकोमोडेट जब वर्ब होता है तो इसकी मीनिंग क्या होती है? टू हेल्प समवन। इसकी पहली मीनिंग क्या होती है? इसकी मीनिंग होती है टू हेल्प समवन, किसी की क्या करना, मदद करना। सॉरी मैं इधर लिख देता हूं। अकोमोडेट की मीनिंग क्या होती है? इसकी पहली मीनिंग थी टू हेल्प, क्या करना, मदद करना, समवन। लिखिए बेटा, टू हेल्प क्या हो जाएगा? टू हेल्प समवन, लिखते चलिए, टू हेल्प समवन या समबडी, टू हेल्प समवन या समबडी, लिखते चलिए। पहली मीनिंग क्या हो जाएगी? टू हेल्प समवन या समबडी। अब अकोमोडेट की एक मीनिंग क्या होती है? लोगों की मदद करना, किसी व्यक्ति की क्या करना, किसी व्यक्ति की मदद करना। अब देखना जरा, मीनिंग क्या बन रहा है? मीनिंग ये बन रहा है टू हेल्प, यहां मदद करने का अर्थ बन रहा है। दूसरा अर्थ क्या बन रहा है? ये पहला अर्थ बना। दूसरा अर्थ क्या बन रहा है बेटा? जो दूसरा अर्थ बन रहा है वो ये बन रहा है टू प्रोवाइड, यानी उपलब्ध कराना, टू प्रोवाइड इनफ स्पेस, टू प्रोवाइड इनफ स्पेस, टू प्रोवाइड इनफ स्पेस फॉर स्टे, स्टेइंग रुकने के लिए, फॉर स्लीपिंग सोने के लिए, या ठहरने के लिए। तो यहां क्या मीनिंग बन रही है? इसकी जो दूसरी मीनिंग बन रही है, टू प्रोवाइड उपलब्ध कराना, क्या, इनफ स्पेस, पर्याप्त मात्रा में जगह। अब देखो जरा, लॉज और अकोमोडेट के बीच में अंतर देखा आपने? अब ये जो अकोमोडेट शब्द है, इसके स्पेलिंग से कई बार सवाल पूछा गया, इसके स्पेलिंग से कई बार प्रश्न पूछा गया है। लिखते चलिएगा बेटा। वेरी गुड मॉर्निंग अनुज कुमार शिवम पदार्थ जी। जी बेटा बनाते चलिए। गौरव सिंह सर, हमको इंग्लिश समझ नहीं पाते हैं, क्या करें सर? कोई प्लान? कुछ नहीं यार, बस रेगुलर प्रतिदिन पढ़ते चलिए, अपने आप ही चीज हो जाएगी। कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है ना? हिंदी मीनिंग की तरफ मत जाइए बेटा, इसके बीच में जो बारीक अंतर है, सिनोनिम्स के बीच में जो बारीक अंतर होता है, वो समझने की कोशिश करिए। लॉज सिनोनिम अगर हम इसका लिखें तो वर्ब के सेंस में जब लिखेंगे तो सबसे पहला जो होगा वो अकोमोडेट, और अकोमोडेट के स्पेलिंग एरर से कई बार सवाल पूछा गया है, तो आपको ध्यान में रखना है कि ए होगा डबल सी होगा, ओ होगा डबल एम होगा, फिर ओ होगा, फिर डी होगा, फिर ए होगा, फिर टी होगा, अकोमोडेट, ठीक है ना? उसके बाद इसकी मीनिंग देखिए, टू हेल्प समवन और समबडी, किसी की मदद करना है ना, रुकने के लिए, ठहरने के लिए, जाने के लिए, किसी भी सेंस में। टू प्रोवाइड उपलब्ध कराना, इनफ स्पेस, किसी को पर्याप्त मात्रा में जगह, किसके लिए, फॉर स्लीप सोने के लिए, फॉर स्टे रुकने के लिए। आ रही बात समझ में ना? ये अर्थ बना। जरा बेटा फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। शिवम यादव, स्पेलिंग एरर से आता है क्वेश्चन अकोमोडेट से? जी बेटा जरूर आता है। आ रही बात समझ में ना? अब देखना जरा, इसका सेकेंड जो सिनोनिम होगा, इसका सेकेंड सिनोनिम लॉज का कौन सा सिनोनिम? लॉज का सेकेंड सिनोनिम देखिएगा बेटा, लॉज का सेकेंड सिनोनिम होता है, अब देखो लॉज क्या है, लॉज वर्ब है। अब हम इसका सिनोनिम दूसरा देखेंगे, इसका दूसरा सिनोनिम क्या है? इसका दूसरा सिनोनिम देखिए, एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था बेस्टो से, BESTOW, BESTOW, ये भी क्या है, वर्ब है। ये क्या है बेटा? टू, ये जो है
बेस्टो, BESTOW, बेस्टो वर्ब है ना, क्या हो जाएगा इसकी मीनिंग होती है टू गिव समथिंग, टू गिव समथिंग टू समवन, यानी किसी को कुछ देना, बेस्टो BESTOW। अगर V3 फॉर्म या V2 फॉर्म बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, बेस्टोड बन जाएगा, और ING फॉर्म बनाएंगे तो क्या बनेगा, बेस्टोइंग। अरे बात समझ में ना, तो यहां मीनिंग क्या बन रही है, टू गिव देना समथिंग कुछ टू समवन किसी को, स्पेशली किसके सेंस में, रिस्पेक्ट के सेंस में, किसके सेंस में बेटा, सम्मान के अर्थ में। अब देखो लॉज और बेस्टो में कितना अंतर हो गया, लेकिन अगर हम लोग सिर्फ इसका सिनोनिम रट जाते तो क्या फायदा होता। लेकिन कभी कभी हम लोगों की यह मजबूरी बनती है कि जब हम लोगों का बेसिक बहुत कमजोर है, हम उस स्थिति में नहीं है कि हम सारे वर्ड्स का डिफरेंस समझ पाए, या हम उस स्थिति में नहीं है कि हमें अंग्रेजी नहीं आती, पढ़ना ही इतना दुभर हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को थोड़ी छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना जरूरी होता है। लेकिन स्टैंडर्ड जो एग्जाम पास करने का है वो क्या है, वो यही स्टैंडर्ड है। मेरी बात समझ में आ रही बेटा आप लोगों को, ठीक है। ट्रम्प बाबा सर मुझे इंग्लिश नहीं आती, कोई बात नहीं बेटा, सब आने लगेगा, ठीक है ना, जरूर आएगा, है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आएगा। शिवम यादव है ना, ठीक है। देव यादव सर क्या कंजंक्शन, बेटा कंजंक्शन की स्पेलिंग सही लिख दीजिए, पहले जे के बाद यू होना चाहिए। डू फ्रेज को प्लस कर सकता है, एक बार फिर से हमसे क्वेश्चन पूछिए, है ना। सचिन बेटा ये क्लास जो है ना वो लाइव होती है, तो बेस्टो का मतलब क्या होता है बेटा, बेस्टो टू गिव समथिंग टू समवन, यानी किसी को कुछ देना, खास तौर से स्पेशली इन रिस्पेक्ट के फॉर्म में, यानी सम्मान के रूप में देना। बेटा ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्रॉपर इसका नोट्स बनाते चलिएगा, मिस भी नहीं होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन और आया, बेस्टो के साथ क्या लगता है, बेस्टो के साथ प्रीपोजिशन या तो अप लगता है या तो अपॉन लगता है, तो वहीं लिखते चलिएगा बेटा, बेस्टो के साथ लगने वाला प्रीपोजिशन क्या होता है, बेस्टो के साथ लगने वाला प्रीपोजिशन या तो अप होता है या तो अपॉन होता है, बेस्टो अप या बेस्टो अपॉन। बेस्टो के साथ लगने वाला प्रीपोजिशन क्या होता है बेटा, ये लिखते चलिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, क्या होता है, या तो ये प्रीपोजिशन जो है वो प्रीपोजिशन या तो अप होता है या तो अपॉन होता है, बनाते चलिएगा फटाफट। आ रही बात समझ में ना, ओके। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है, ओके। अब जरा देखना, लॉज के दूसरे सेंस को देखने की कोशिश करना, लॉज, सॉरी, ये जो लॉज है, अब इस लॉज को हम नाउन मान लेते हैं, और जब नाउन मानेंगे तो इसका सिनोनिम्स भी क्या होना चाहिए, इसका सिनोनिम्स भी नाउन ही होना चाहिए। अब क्या बनेगा, इसका सिनोनिम पहला होता है इन, दूसरा क्या होता है होटेल, इन होता है और होटेल होता है, इन भी क्या होता है नाउन होता है, और होटेल भी क्या होता है नाउन होता है। बनाते चलिए बेटा फटाफट, लिखते चलिए। अब समझने की जरूरी है कि लॉज में और इन में क्या अंतर है, लॉज में और होटेल में क्या अंतर है, बनाते चलिए फटाफट, लिखिए बेटा। एक अगर हम लोग चाहें तो एक सिनोनिम और लिख सकते हैं, हॉस्टल भी लिख सकते हैं, एक हम लोग सिनोनिम क्या लिख सकते हैं, हॉस्टल भी लिख सकते हैं। बनाते चलिए बेटा, ये तीनों नाउन है, लॉज खुद में नाउन है। अब हमें यह समझते हुए चलना है कि लॉज में और इन में क्या अंतर होता है, लॉज में और होटल में क्या अंतर होता है, लॉज और हॉस्टल में क्या अंतर होता है, क्योंकि जब फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन पूछेंगे, जब फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन पूछेंगे या क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन पूछेंगे, तो इनमें से चार के चारों ऑप्शन होंगे, और उसके बाद हमें उन चारों में से एक अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिलअप करना होगा। तो यह बात हम लोगों के दिमाग में बहुत बहुत क्लियर होना चाहिए। हाँ पीजी भी हो सकता है, जी बेटा उससे उसका भी इसके साथ अंतर है। आ रही बात समझ में ना। अब इन जो होता है इसका मतलब होता है यात्रियों के ठहरने का जगह, यात्रियों के ठहरने का जगह। बनाते चलिएगा बेटा, इन नाउन होता है, मीनिंग क्या होता है, यात्रियों के ठहरने का जगह। अब जरा इन जो होता है वो यात्रियों के ठहरने का जगह, खास तौर से ये ब्रिटेन में यूज किया जाता है। अब होटल देखो जरा, यहां खाना, ठहरना और मनोरंजन ये तीनों का स्थान होता है, मनोरंजन का प्लेस है ये। बनाते चलिएगा, होटल, खाना, ठहरना और मनोरंजन तीनों का प्लेस है ना, यानी हम यहां खाना भी खाएंगे, यहां ठहरेंगे भी हम, और मनोरंजन भी हमारा होगा। इन सेंस में किसका इस्तेमाल होता है,
होटल का इस्तेमाल होता है। उसके बाद अगला शब्द आया है, अगला शब्द आया है हॉस्टल। हॉस्टल, हॉस्टल क्या होता है बेटा? एक्चुअली हॉस्टल जो होता है वो इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूशनल है ना, ये इंस्टीट्यूशनल रेजिडेंस होता है, ये इंस्टीट्यूशनल रेजिडेंस होता है जहां पर खास तौर से यंग ट्रैवलर, जो नौजवान लोग रहते हैं उनके लिए हॉस्टल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जो बच्चे बच्चियां रहते हैं अपने कमरे में है ना, हॉस्टल में, जो प्रॉपर किसी के अंडर में काम चलता है, जहां जहां उनको एक अलग प्रकार की सिक्योरिटी मिलती है, ये एक प्रकार का इंस्टीट्यूशनल रेजिडेंस होता है ना। और खास तौर से इसमें रहने वाले, निवास करने वाले जो लोग होते हैं वो यंगस्टर्स होते हैं। वो क्या होते हैं बेटा? वो यंगस्टर्स होते हैं। तो ये बात आपके दिमाग में आ गई होगी कि इन क्या होता है, होटल क्या होता है और हॉस्टल क्या होता है, ठीक है ना बेटा? शिवम जी बेटा, ये जो हॉस्टल होता है वो इंस्टीट्यूशनल रेजिडेंस होता है, जो क्या होता है, सिर्फ बच्चों के लिए, यंगस्टर्स के लिए होता है। और जो होटल शब्द है, होटल का इस्तेमाल खाना, ठहरना और मनोरंजन तीनों के सेंस में इस्तेमाल होता है, लेकिन इनका जो प्रयोग होता है वो सिर्फ यात्रियों के ठहरने के अर्थ में होता है या यात्रियों के ठहरने के जगह के रूप में होता है। अरे बात समझ में ना सर, क्या कंजंक्शन दो फ्रेज को जोड़ सकता है? हाँ बिल्कुल जोड़ सकता है, एंड क्यों नहीं जोड़ सकता, बिल्कुल जोड़ सकता है देव यादव। विपिन विश्वकर्मा फॉरेस्ट जी बेटा, अब फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा है ना, और एक बार यार लाइक कर दो है ना, एक बार फटाफट लाइक कर दो और शेयर कर दो और बच्चों को ये बात पता चल जाए। अब देखो, अब समझने की कोशिश करना, लॉज, लॉज का मतलब क्या होता है? ठहरने का स्थान। अरे बात समझ में, जहां प्राय बहुत सारे लोग एक साथ रुकते हैं वो लॉज है, जबकि क्या है, इन अलग चीज है, यात्रियों के ठहरने का जगह, जो ट्रैवलर्स हैं उनके रुकने का जगह, होटल ऐसा जगह जहां खाना, ठहरना और मनोरंजन तीनों का इंतजाम हो। हॉस्टल, हॉस्टल खास तौर से इंस्टीट्यूशनल रेजिडेंस होता है जहां यंगस्टर्स रहते हैं। अरे बात समझ में ना, बहुत बढ़िया। अब जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं, लॉज के साथ और कंडीशन क्या है, जरा पीछे मुड़ के क्वेश्चन में देखते हैं, जो ये शब्द लॉज लिखा वो क्या है एक्चुअली। अब देखा जरा, इसका प्रोनंसिएशन की भी कहानी थोड़ी अलग होती है, इसके प्रोनंसिएशन से भी क्वेश्चन, ये यू लिखा है बेटा, प्रोनंसिएशन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो प्रोनंसिएशन है इसका, इससे कैसे प्रश्न पूछा जाता है, एक्चुअली यहां जी लिखा हुआ है। तो जब हम डी साइलेंट लेटर की बात करते हैं तो उन शब्दों में डी साइलेंट हो जाता है, उन शब्दों में, मेरी बात बहुत ध्यान सुनिएगा, उन शब्दों में डी लेटर जो है वो साइलेंट हो जाता है जिनमें डी के बाद जी या एन आता है। मेरी बात बहुत समझिएगा, उन शब्दों में डी जो लेटर है वो साइलेंट हो जाता है जिन शब्दों में डी के बाद जी या एन आता है। अब देखना जरा कैसे खतरनाक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखना, अब डी कब साइलेंट हो जाता है, डी के साइलेंट होने की क्या स्थिति बनती है कि डी साइलेंट कब होगा? डी साइलेंट तब होगा, अब लाइन में लिख लीजिएगा, डी उन शब्दों में या उन वर्ड्स में, उन वर्ड्स में साइलेंट हो जाता है, उन वर्ड्स में क्या हो जाता है, उन वर्ड्स में साइलेंट हो जाता है, साइलेंट हो जाता है, साइलेंट हो जाता है जिनमें, जिनमें, जिनमें डी के बाद, जिनमें डी के बाद एन या जी आता है। या प्राय स्थिति है, इसका एक्सेप्शन भी आपको मिल सकता है। अरे बात समझ में ना, डी साइलेंट कब होगा, डी के साइलेंट होने का क्या कंडीशन है, एकमात्र कंडीशन है कि डी उन वर्ड्स में साइलेंट हो जाता है जिनमें डी के बाद एन या क्या आता है, जी आता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, इसको लिख लीजिएगा, डिन उन वर्ड्स में साइलेंट हो जाता है जिनमें डी के बाद कौन आता है, एन आता है, कौन आता है बेटा, एन आता है या क्या आता है, जी आता है। अरे बात समझ में ना, फटाफट बेटा जरा इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा है ना, ठीक है। अब जरा एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं, ले लीजिए बेटा फटाफट, चलिए ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है बेटा, देखिए बदतमीजी बिल्कुल मत करिए, ट्रंप बाबा सर पबजी के आप बिल्कुल ऐसे कोई सवाल नहीं होंगे है ना, आ रही बात समझ में ना एकदम कोई भी। अब ये किसने लिखा है सर, फ्री फायर सूरज यादव, फ्री फायर खेलो, बिल्कुल नहीं बेटा ऐसे कुछ नहीं किया जाएगा, चुपचाप लिखते चलिए और पढ़ते चलिए, आ रही बात समझ में ना, ऐसे कुछ हरकत करने की कोशिश मत करिए है ना,
क्लास चल रही बेटा, ऐसे बिल्कुल भी एग्जाम्पल्स आप मना लीजिए, है ना। चलिए क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल लिख लिया सर, निवी यादव ने कहा। जी जी बेटा, गुड। एग्जाम्पल समझने की कोशिश करिए कि अब क्या क्या, जरा देखिए प्रश्न कैसे कैसे वहां से पूछे गए, मैं आपको बताते चलता हूं। देखिए सबसे पहला वर्ड लिखा बैज, बी ए डी जी ई, बना। अब जरा देखना दूसरा शब्द नॉलेज, नॉलेज। तीसरा शब्द बना हेज। चौथा शब्द बना ब्रिज, ब्रिज। बनाते चलिएगा बेटा ब्रिज। अगला शब्द बना एज, ई डी जी ई, लिखते चलिएगा, मैं दूर हट जा रहा हूं, एज। अगला शब्द बना वेज, डब्ल्यू ई डी जी ई, लिख लीजिए। छह शब्दों का एग्जाम्पल दिया मैंने, लिखते चलिए बेटा। क्या है सर, साइलेंट होने का भी रूल होता है क्या? जी बेटा सुदाम, जी बेटा होता है। एग्जाम्पल क्या है, बैज, नॉलेज, हेज, ब्रिज, एज, और उसके बाद फिर क्या होता है, वेज। अब जरा देखते चलिएगा ये कैसे फॉलो करता है एक दूसरे को। अब जरा देखिए यहां क्या है, अब ये जो बैज लिखा हुआ है, बैज में जी लिखा हुआ है, और जी के पहले जो डी लिखा हुआ है वो क्या है यहां पर, यह साइलेंट है। ये क्या है यहां पर, साइलेंट है। अब जरा देखिएगा नॉलेज में जो ये जी लिखा हुआ है, इस जी के बाद जो डी लिखा हुआ है वो क्या है, वो यहां पे साइलेंट है, साइलेंट है ना। अब जरा देखना हेज, हेज का मतलब होता है झाड़ियां, यहां जी लिखा हुआ है और जी के पहले जो डी लिखा हुआ है उसमें जरा ये डी देखना, ये क्या है, ये साइलेंट है। अब ये जो ब्रिज लिखा हुआ है, यहां डी लिखा हुआ, सॉरी जी लिखा हुआ है और जी के पहले जो डी लिखा हुआ है वो क्या है, वो साइलेंट है, साइलेंट है ना। ऐसे बनाते चलेगा बेटा, ऐसे लिख लीजिएगा, है ना। इसीलिए मैं कहता हूं कि दो तीन रंग का कॉपी पेन रखा करिए जिससे काम आपका बनते रहे। अब जरा एज देखना, एज का मतलब किनारा होता है, जी के पहले डी लिखा हुआ, देखो जरा ये साइलेंट है कि नहीं, ये साइलेंट है। अब जरा वेज देखना, इसका मतलब होता है अटका देना। अब ये देखो जो जी लिखा हुआ है, इसके पहले जो डी लिखा हुआ है, ये साइलेंट है कि नहीं, देखो ये साइलेंट है। यानी डी के साइलेंट होने का जो रीजन है वो सबसे पहला क्या है, हम प्रोनंसिएशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बार हम अंदाजा नहीं लगा पाते कि इस प्रोनंसिएशन के साथ लगने वाला यह शब्द उचित है कि नहीं है, ठीक है ना। चलिए यह लिखा हुआ एग्जांपल में बैज, बैज का मतलब जो होता है बिल्ला, है ना, इसकी मीनिंग क्या होती है, बैज मतलब बिल्ला जो यहां लोग लगाते हैं अपना नेम प्लेट। नॉलेज मतलब क्या होता है, ज्ञान। हेज, हेज मतलब क्या होता है, झाड़ियां। ब्रिज मतलब क्या होता है, पुल। एज का मतलब क्या होता है, किनारा, कहते हैं ना बैट का एज लग गया, किनारा लग गया। और वेज का मतलब होता है अटका देना, यानी किसी को लटका देना या अटका देना, किल्ली टाइप की चीज, है ना, वेज। ये बेटा एग्जांपल हो गया, ठीक है। अब जरा देखना इसके अलावा क्या है, इसके अलावा एन की हम बात करते हैं अगर, तो एन में एक शब्द आता है डी साइलेंट होने का, जैसे हम लोग लिखते हैं ना वेडनेसडे। अब जरा देखना वेडनेसडे हम लोग बोलते तो जरूर है, क्योंकि अब मजबूरी है, बचपन से ऐसी आदत रही है, वेडनेसडे। लेकिन इसका जो एक्चुअल प्रोनंसिएशन होता है वो वेंसडे होता है, डी यहां जो होता है वो साइलेंट होता है। क्यों, इसके पीछे का जो रीजन है कि इसका नियम ये कहता है कि यहां अगर यन आया है डी के बाद, कौन आया है, यन आया है डी के बाद, तो ये मान के चलिए कि डी यहां जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डी यहां पे साइलेंट होना चाहिए। डी यहां क्या होना चाहिए, डी यहां साइलेंट होना चाहिए। क्यों डी साइलेंट होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद क्या आया हुआ है, एन आया हुआ है। आरी बात समझ में ना। अब जरा देखना एसएससी का मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं कि स्पेलिंग एरर में कैसे पूछा गया प्रोनंसिएशन के साथ डी के। एक शब्द लिखा गया हैंकर चीफ, है ना, लेकिन एक्चुअली वो क्या होता है, उसमें लिखा होता है हैंड, फिर क्या होता है के ई आर कर, उसके बाद फिर सी एच आई ई एफ। लेकिन इस सिचुएशन में आप देखेंगे, मैं इसका सिलेबल अलग अलग करके लिख दिया, इसमें हाइफन नहीं लगा होता, हैंकर चीफ पूरा वर्ड लिखा होता है, मैंने यहां जानबूझ करके हाइफन लगा दिया कि आप इजीली इसका प्रोनंसिएशन कर जाएंगे। अब देखो जरा यहां एच ए एन डी है, फिर के ई आर है, उसके बाद सी एच आई ई एफ है। अरे बात समझ में ना। अब देखने की कोशिश करना, यहां जो डी है वो डी क्या है, वो डी जो है वो साइलेंट है। यहां जो डी लिखा हुआ बेटा वो क्या है, वो डी जो है वो साइलेंट है। और ये कई बार प्रश्न अपने एग्जाम में स्पेलिंग एरर में पूछा गया है, कई बार। और हम लोग अपने हिसाब से इसका प्रोनंसिएशन बना करके
अपने एग्जाम में क्वेश्चन गलत करके आते हैं। आ रही बात समझ में ना? तो ये बात है, अब समझने की कोशिश करिए बेटा कि हम लोग एक वर्ड जो लॉज था, उस लॉज शब्द पे देखिए हम लोगों ने कैसे सीखने की कोशिश की, कैसे इसको क्लियर करने की कोशिश की। अब देखिए सबसे पहले क्या था, लॉज जो था वो नाउन था, ठहरने का स्थान या कमरा। जब ये वर्ब था तो ठहरना, रुकना या किसी के खिलाफ कोई स्टेटमेंट देना, जैसे आई लॉज्ड एन एफआईआर अगेंस्ट हिम, मैंने उसके खिलाफ एक एफआईआर कराया। अब दूसरा वर्ड देखो, जब ये सिनोनिम होगा तो वर्ब अगर है तो वर्ब का सिनोनिम लगेगा, है ना। जैसे देखो अकोमोडेट, यहां से भी स्पेलिंग पूछा गया, ध्यान में रखेंगे। मीनिंग क्या होता है, टू हेल्प समवन या समबडी। लॉज और अकोमोडेट में अंतर, टू प्रोवाइड इनफ स्पेस, किसी को पर्याप्त मात्रा में जगह दिलाना। लॉज जब वर्ब है तो सिनोनिम क्या बनेगा, बेस्टो, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, आईएनजी फॉर्म में एक बार गलती हो जाती है। बेस्टोइंग होता है टू गिव समथिंग टू समवन, यानी किसी को कुछ देना, खासतौर से रिस्पेक्ट के सेंस में। इसके साथ बेस्टो के साथ क्या लगता है, अप लगता है या अपॉन लगता है। आ रही बात समझ में? आगे बढ़ेंगे। फिर क्या, लॉज जो है वो नाउन है, जब सिनोनिम बनेगा तो क्या बनेगा, इन बनेगा, होटल बनेगा, हॉस्टल बनेगा, और क्या बनेगा। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लॉज और इन में अंतर, लॉज और होटल में अंतर, लॉज और हॉस्टल में अंतर, क्योंकि बहुत बार ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जब आपको इसके बीच का अंतर करके आपको अपना रैपिड फिलर भरना होगा। आगे बढ़ेंगे जरा। डी के साइलेंट होने की स्थिति क्या होती है, डी के साइलेंट होने की स्थिति होती है कि उन वर्ड्स में साइलेंट हो जाता है जिनमें डी के बाद एन या क्या आता है, जी आता है। अब जरा देखना दूसरी स्थिति क्या बनेगी। एग्जाम्पल हमने लिखा, सबसे पहले बैज लिखा, फिर नॉलेज लिखा, फिर हेज लिखा, फिर ब्रिज लिखा, फिर एज लिखा, फिर उसके बाद फिर क्या लिखा हम लोगों ने, वेज लिखा, फिर वेडनेसडे लिखा, फिर हैंकरचीफ। देखने की कोशिश की क्योंकि इससे कई बार सवाल पूछा गया है ना। मैं क्वेश्चन यही सामने आपके लिख देता हूं, आप जरा क्वेश्चन को टैकल करने की कोशिश करना, देखना कैसे सवाल बना यहां से। अब जरा देखना ऑप्शन ए, इसमें क्या करना है, आपको सही वर्ड चुनना है चार में से। पहला वर्ड लिखा गया, पहला वर्ड क्या लिखा गया, एच ए एन डी सी एच ई आर सी एच आई ई एफ। अब जरा देखो हैंकरचीफ थोड़ा ज्यादा बढ़िया लग रहा है, बी वाला ऑप्शन, एच ई एन डी के ए आर सी एच आई ई एफ। उसके बाद सी वाला ऑप्शन लिखा, एच ए एन डी सी ए आर ई सी एच आई ई एफ। और उसके बाद डी वाला ऑप्शन क्या लिखा, एच ए एन डी के ई आर सी एच आई ई एफ। अब जरा बताओ हमें चार में कौन सा ऑप्शन सही है। तो जब तक आप एक एक वर्ड को क्लियरली समझेंगे नहीं, बढ़िया से उसको देखने की कोशिश नहीं करेंगे बेटा, ये बारीकी आपके दिमाग में तभी बनेगी जब आप बहुत छोटी छोटी चीजों से अपने आप को आगे बढ़ाए हों। आ रही बात समझ में ना? किसी पे जबरदस्ती कोई एडवांस चीज थोप देना बहुत अच्छी चीज नहीं है, बल्कि उसको समझा करके, उसको बिल्कुल बेसिक से धीरे धीरे चलते हुए सिखा के उसको आगे बढ़ाना जरूरी है। आ रही बात समझ में ना? यानी आप धीरे धीरे कदम अपने रखिए, आप बुलंदी पर पहुंचेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। भले आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, नरसों किसी न किसी दिन तो आप जरूर पहुंचेंगे, लेकिन ध्यान में रखिएगा पंचवर्षीय योजना आप बनाइएगा नहीं। आ रही बात समझ में ना? दिन रात एक बार करके मेहनत बेटा, जरा सिलेक्शन ले लीजिए। और मेरे सभी प्यारे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है, शिवम यादव, अर्पित दुबे, पारुल चौरसिया, जी एम, सूरज यादव, सोनम मदेसिया, वंशिका, निवी, सुधा मदेसिया, प्रगति, हिमांशु, शिवम, अर्जुन, अंश, विपिन, निवी, नीरज, संध्या, वंशिका, अनीस, संज्ञा, सूरज, सोनम, आशुतोष, निवी, आशीष, शिवम, अर्पित, सूरज, वंशिका, बबली यादव, है ना, अदिति शर्मा, सूरज, बबली यादव जी आपने बी लिख दिया है बेटा, बी नहीं होना चाहिए, है ना, सूरज यादव, वंशिका जी बेटा, है ना। सर आपकी सबसे अच्छी बात यह कि आप दोबारा दोहरा कर पढ़ाते हैं बेटा, मुझे पता है ना क्या तकलीफ होता है अंग्रेजी आने की और ना आने की, है ना, तो मुझे भागना नहीं है आपसे, है ना, मैं आपके बेस्ट के लिए हमेशा काम करता हूं और हमेशा काम करता रहूंगा। हाँ, ये हो सकता है कभी कभी कि मैं बहुत छोटी छोटी चीजों पर ज्यादा अटेंशन ले लेता हूं, आ रही बात समझ में ना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहां अटेंशन लेना जरूरी है यार, क्योंकि बच्चा यूपी बोर्ड से पढ़ के आया, जहां से वो कक्षा 8 में तो एबीसीडी सीखता है। यूपी बोर्ड के बच्चे की स्थिति यह है, बिहार बोर्ड के बच्चे की स्थिति यह है, एमपी बोर्ड के बच्चे की स्थिति यह है कि बेचारा कक्षा 8 में तो एबीसीडी सीखता है, कक्षा 9 में उसका मैथ पीछा करने लगती है, 11 12th में होता कि मैथ, केमिस्ट्री और फिजिक्स पीछा करेगी, ग्रेजुएशन में अंग्रेजी ग्रामर लैंग्वेज पढ़ाया नहीं जाएगा तो बेचारा सीखेगा कब, क्या उसको अधिकार नहीं है क्या कि वो एसएससी का एग्जाम दे, वो एसएससी सीजीएल में सेलेक्ट हो, सीएचएसएल में सेलेक्ट हो, सीपीयू में सेलेक्ट हो, तो उसे पढ़ाएगा कौन, जब हम आपको एडवांस आपके कपार पे थोप देंगे ही तो कैसे पढ़ेंगे आप। आपका भी हक बनता है कि आप छोटी छोटी चीजों को सीखें, यही रीजन है कि आपको बहुत छोटी छोटी चीजें समझाने की कोशिश करता हूं, मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। आ रही बात समझ में ना बेटा?
एकदम तुरंत जजमेंटल मत होया करिए, चीजों को समझिए, ध्यान से समझिए कि यार एक्चुअली मेरे फेवर में क्या है। अरे बात समझ में ना। प्रिया यादव सर, सिलेक्शन कैसे होगा जब रिजल्ट टाइम से नहीं आएगा? बस उसी के लिए तो हम लोग काम कर रहे हैं बेटा, है ना। हम लोग का जो प्रोटेस्ट है, आप लोग की जो ताकत गवर्नमेंट ने देखी है, वो क्यों देखी है? इसी वजह से देखी है। तो इसमें आंसर क्या होना चाहिए? शिवम यादव, क्लास में भी ऐसा ही करते हैं आप, दोबारा पढ़ा देते हैं। हाँ, मेरी कोशिश यही होती है बेटा कि आप लोगों को चीज़ें रट जाएं, है ना। ठीक है, दोबारा क्या बेटा, आप हमसे 300 बार पूछेंगे तो मैं 300 बताऊंगा, भागना थोड़ी ना यार, है ना। तो इसमें कौन सा आंसर होना चाहिए? इसमें आंसर होना चाहिए डी। क्या होना चाहिए बेटा? हैंकर चीफ। जिसमें डी जो होता है वो क्या होता है? जिसमें डी जो होता है वो साइलेंट होता है। जिसमें डी क्या होता है बेटा? जिसमें डी होता है वो साइलेंट होता है। देवेंद्र सर, मेरे लिए तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप भी हिंदी मीडियम से ही हैं। हाँ यार, मैं शुद्ध हिंदी मीडियम से हूँ। अर्पित प्रजापति सर, एक बार बोल दो नालायक हूँ। हाँ, तो नालायक हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ, है ना। चलो जरा आगे बढ़ते हैं। अब समझने की कोशिश करिएगा, एक बात आपको और समझाना है। एक बात हमें और ये समझाना है कि लॉज के साथ अगर प्रीपोजिशन लगेगा, लॉज के साथ अगर कोई प्रीपोजिशन लगेगा तो लॉज के साथ प्रीपोजिशन क्या क्या लग जाएगा, वही मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। कि लॉज के साथ जब प्रीपोजिशन लगेगा तो लॉज के साथ दो प्रीपोजिशन लग सकता है, लेकिन प्रायः सबसे ज्यादा लगने वाला जो प्रीपोजिशन है वो अगेंस्ट है। जब कोई किसी के लिए स्टेटमेंट देता है तो प्रायः विरोध में ही देता है, जब विरोध में देता है तो क्या हो जाता है? लॉज अगेंस्ट, है ना। जैसे मैंने उसके खिलाफ FIR कराया, तो आई लॉज्ड एन FIR अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ। या यहां एक और प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता है विथ। तो आप अपने दिमाग में बनाए रखिएगा कि जब भी कभी रैपिड फिलर वाले क्वेश्चन आएगा, एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जब लॉज के साथ कभी प्रीपोजिशन वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपको यह बात ध्यान में रखना है कि या तो अगेंस्ट लगेगा या तो क्या लगेगा? विथ लगेगा। इन दोनों में से ही कोई एक आएगा, क्योंकि रैपिड फिलर या क्लोज टेस्ट वाले जो क्वेश्चन आएंगे, क्लोज टेस्ट के जो प्रश्न आएंगे, उसमें यह बात आपको ध्यान में रखना है कि या तो अगेंस्ट आएगा या तो क्या आएगा बेटा? विथ आएगा। मेरी बात आप तक पहुंच गई होगी? अगर मेरी बात आप तक पहुंची है, अगर मैं कन्वे कर पाया हूं अपनी बात को, तो आप जरा यस में मुझे कमेंट करेंगे, है ना। चलिए जरा पीछे देखने की कोशिश करते हैं, इस क्वेश्चन में सेंटेंस को देखने की कोशिश करते हैं। अब जरा देखिए, लॉस्ड क्या? लॉस्ड अ केस। अब देखो, ये ऑब्जेक्ट हो गया, इस वर्ब का क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया अ केस। और ऑब्जेक्ट के बाद यहां क्या लिखा? ऑब्जेक्ट के बाद यहां देखिए अगेंस्ट लिखा हुआ है। ये क्या है? ये जो है वो प्रीपोजिशन है। ये क्या है बेटा? यहां पे एक प्रीपोजिशन है। यहां से भी प्रश्न बन सकता है और यहां से प्रश्न बनेगा। सभी बच्चों ने लगभग यस में हाँ भरा है। थैंक यू सो मच यार, आपके सपोर्ट और आपके प्यार के लिए। लॉस्ड अ केस, क्योंकि अब देखो वर्ब के बाद तुरंत प्रीपोजिशन भी आ सकता है, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद प्रीपोजिशन आ सकता है। मैंने आपको बेसिक वाली क्लास में सिखाया है, दोज उनके खिलाफ, है ना। अब देखना जरा, मैं ये बात आपको बताने की कोशिश करता हूं कि लॉज के साथ क्या लग रहा है बेटा? लॉज के साथ या तो अगेंस्ट लगा है या तो विथ लगा है, या तो अगेंस्ट लगा है या तो क्या लगा है बेटा? विथ लगा है। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है कि अगर एग्जाम में सवाल पूछेगा तो या तो अगेंस्ट दिया होगा या तो विथ दिया होगा, और अगर इन दोनों में से कुछ नहीं दिया तो आपको इन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। ठीक है, सुधा मदी से लिख रही है बेटा, लॉज के साथ प्रीपोजिशन अगेंस्ट या विथ। जी बहुत बढ़िया। रोशन राजौर बता रहे सर, यस सर, ऑल क्लियर। जी बेटा, अगेंस्ट दोज यानी द पुलिस ऑन वेडनेसडे लॉज्ड अ केस, यानी पुलिस ने बुधवार को एक मुकदमा लिखा अगेंस्ट के विरोध में, दोज उनके, हु जो, यहां हु की मीनिंग क्या हो रही है? जो रेज्ड। अब देखो जरा कितना बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया, रेज्ड वाला वर्ड। अब मैं इस वर्ड की तरफ चलता हूं, इस वर्ड के सिनोनिम एंटोनिम से ज्यादा प्रश्न नहीं पूछेगा, बल्कि इसके एक्चुअल यूज से पूछेगा क्वेश्चन। अब इसके एक्चुअल यूज से सवाल क्या पूछेगा, अब जरा देखना। एक वर्ड पूछा गया, एक वर्ड होता है रेज। बने रहिएगा बेटा, बहुत महत्वपूर्ण सेशन है, साथ में बने रहिएगा, है ना। रेज, एक रेज वर्ड है, वर्ब है, और एक होता है राइज, ये भी वर्ब है। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखूंगा, मैं अभी आपका कमेंट तो नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मुझे ये वर्ड समझाना है। रेज वर्ब है और एक राइज वर्ब है। इस राइज का मतलब होता है उगना, राइज का मतलब होता है उगना, जैसे सूर्योदय के लिए हम क्या करते हैं? उगना। और उठना, अपने आप उठना, उठना समझ ना, उठना। राइज मतलब क्या होता है? उगना या उठना। और रेज का मतलब होता है उठाना, रेज का मतलब क्या होता है? उठाना। जैसे कहना कि ही रेज्ड अ क्वेश्चन, उसने एक प्रश्न पूछा, एक प्रश्न उठाया, है ना। तो यहां प्रयास करके उठाया जा रहा है और यहां अपने आप उठ रहा है ना। तो ये वर्ब है और ये भी वर्ब है, नाउन भी होता है, लेकिन उसकी मीनिंग की तरफ नहीं जाना।
हमें क्वेश्चन की तरफ जाना है कि एसएससी ने सवाल कैसे पूछा। अब रेज वर्ब है जिसका मतलब होता है उठाना, यहां जानबूझकर, यहां मीनिंग क्या बनेगी, यहां मीनिंग बनेगी जानबूझकर या प्रयास करके, अरे बात समझ में। और राइज मतलब होता है अपने आप उगना या उठना, है ना। अब सेंस समझने की कोशिश करिएगा, रेज का जब वर्बिकल फॉर्म बनाते हैं तो क्या बनता है, ये बन जाता है रेज्ड, यानी इसका V3 और V4, V3 और V2 क्या बनता है, रेज्ड। लेकिन राइज का जो होता है वो बदल जाता है, राइज फिर क्या होता है, रोज फिर क्या होता है, राइजन फिर क्या होता है, राइजिंग, और राइजिंग के बाद फिर क्या होता है, राइजिंग के बाद फिर होता है राइजेज। एक्चुअली मैं ये V2, V3, V4, V5 इसलिए लिख देता हूं ना, क्योंकि इसके पीछे रीजन है कि बहुत सारे बच्चों को यही आइडिया नहीं होता। मुझे शौक नहीं कि मैं ये लिख दूं, लेकिन यार एक्चुअली जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं पढ़ता था तो मुझे इतना भी मेरा कमजोर था, यानी मैं इस कमजोर हालत में था कि मुझे वर्ब का सेकंड और थर्ड फॉर्म क्लियर नहीं होता था। तो मुझे लगता है कि मेरे जैसे बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये V2 और V3 नहीं आता होगा। तो ये मेरी जिम्मेदारी बन जाती है, मजबूरी नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं आपको बताऊं। भाई मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा आपको, अरे बात समझे। तो ये टीचर की जिम्मेदारी होती है कि बच्चे की छोटी से छोटी चीज को भी वो सुधारे, कोशिश करे कि वो उसे बताए। तो जो महत्वपूर्ण होता है वो हम लिख देते हैं, क्योंकि रेज रेज आसान है तो इसका क्या बन जाता है, रेज हो जाता है, रेज हो जाता है, रेजिंग हो जाता है, रेजेज हो जाता है। क्लियर है, इसका मतलब होता है उगना या उठना, इसका मतलब होता है उठाना। अब जरा देखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिख लीजिए। शिवम यादव मतलब मैं आपसे अच्छा बन, बिल्कुल यार 100%, ठीक है ना। हाँ सूर्य यादव जी बेटा, विजय कुमार हाँ पालन पोषण करने वाली होती। उमाकांत यादव मैं भी कमजोर हूँ सर, कोई बात नहीं यार, बहुत बड़ा सवाल नहीं कमजोर होना, कमजोर बने रहना सवाल है। अगर कोई जीवन में अगर आपके प्रयास आप नहीं कर रहे तभी आपकी कमजोरी है, आपको कोई कमजोर साबित करता है ये आपकी कमजोरी नहीं है, लेकिन आप कमजोर बने रहते हैं ये आपकी कमजोरी है। आ रही बात समझ में ना। तो कमजोर नहीं रहना, एसएससी की क्या औकात थी कि वो हमें नौकरी नहीं देगा, गवर्नमेंट की क्या औकात है कि हमें नौकरी नहीं देगा, हम लायक तो बन जाए उसके, लेकिन लायक कैसे बनेंगे, स्टेप बाय स्टेप बनेंगे। आ रही बात समझ में ना। ओके चलिए बेटा, अब जरा इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन करते हैं एसएससी का, है ना। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं कि एसएससी ने इसके ऊपर सवाल कैसे पूछे। एक्चुअली वर्ब की जो सीट हमने भेजी है आपको सीएचएसएल प्रैक्टिस 2020 वाला, उसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं और मैंने उन्हीं का स्क्रीनशॉट लेके आपको एक क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूं। जरा देखिएगा, एक क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट में है, आप उस बुकलेट में चेक करिएगा, बुकलेट में क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आफ्टर द हैवी रेन्स, क्वेश्चन लिखा है कि आफ्टर द हैवी रेन्स, यानी भारी बरसात के बाद, कब, लास्ट वीक। अब देखो ये जो लास्ट वीक लिखा हुआ है ये पास्ट इंडेफिनिट के लिए लिखा जाएगा, क्योंकि एडवर्ब ऑफ टाइम जो पास्ट में होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाता है, कामा द वॉटर इन द लेक, यानी झील में, है ना, लेक रेज्ड, क्या रेज्ड, अनदर टू फीट फुल स्टॉप। अब देखो एसएससी में पूछा गया अंडरलाइन कहां से कहां तक किया गया, प्रश्न में जो अंडरलाइन किया गया है वो किया गया है रेज्ड से लेकर के अनदर टू फीट तक। यहां रेज्ड से लेकर के कहां तक बेटा, रेज्ड से लेकर अनदर टू फीट तक ये अंडरलाइन किया गया। अब ये सेंटेंस इंप्रूव करना है, एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब इसमें क्या होगा, इसमें ऑप्शन ए लिखा हुआ है, ऑप्शन ए लिखा हुआ बेटा कि वुड रेज अनदर, क्या बनेगा, वुड रेज अनदर टू फीट्स, ये ऑप्शन ए है, वुड रेज अनदर टू फीट्स, ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी क्या लिखा हुआ है जरा देखते चलिएगा, ऑप्शन बी लिखा हुआ है कि रेज अनदर टू फीट, ये ऑप्शन बी लिखा हुआ है, रेज अनदर टू फीट, ऑप्शन क्या लिखा हुआ दिख रहा है कि नहीं बेटा, आप लोगों को दिख रहा ना, रेज अनदर टू फीट। ऑप्शन सी लिखा हुआ है, लिखा है कि रोज अनदर टू फीट, नहीं ये तो गलत हो जाएगा, फिर क्या लिखा है, रेज्ड अनदर, कहां क्वेश्चन बना है, सॉरी रेज तो से लिखा ही हुआ है ना,
यहां जो होना चाहिए वो होना चाहिए रोज अनदर टू फीट। और आंसर जो डी लिखा हुआ, जो ऑप्शन डी लिखा हुआ, उसमें क्या लिखा होगा? उसमें लिखा होगा नो इंप्रूवमेंट। अब जरा हमें बताइए, तो ये जो चार ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, और में फीट लिखा, अच्छा फीट से नहीं लिखा है, सॉरी, तो यहां फीट से नहीं है बेटा, ये बात ध्यान रखिएगा, ये फीट से नहीं है, सिर्फ फीट लिखा हुआ है जी। कौन सा आंसर होना चाहिए? सचिन राजभर बता रहे हैं डी, सचिन राजभर डी बता रहे हैं, नहीं बेटा सी बता रहे हैं जी, ठीक है। सुनील कुमार ए होना चाहिए, डी होना चाहिए, डी होना चाहिए, नो इंप्रूवमेंट सर। बेटा नो इंप्रूवमेंट कैसे होगा भाई? अब देखने की कोशिश करो, लिखा है कि आफ्टर द हैवी रेन्स, यानी बारिश के बहुत बहुत मतलब भारी बारिश के बाद, आफ्टर द हैवी रेन्स मतलब भारी बरसात के बाद, कब? लास्ट वीक, यानी पिछले सप्ताह के भारी बरसात के बाद, द वॉटर इन द लेक यानी झील में पानी रेज्ड, उठाया गया कि अपने आप उठा। आप जरा पीछे मुड़ के देखने की नहीं कोशिश करते, राइज मतलब खुद उठना और रेज का मतलब होता है उठाना जानबूझकर। तो जो लेक का पानी, उसे आपने जानबूझकर उठाया कि वो उठ गया, वो प्राकृतिक रूप से खुद उठाना। तो यहां रेज्ड की जगह पर क्या होना चाहिए? रेज्ड की जगह पर रोज होना चाहिए। यहां रेज्ड की जगह पर क्या होना चाहिए? रोज होना चाहिए, क्योंकि लास्ट वीक है। जब लास्ट वीक है तो पास्ट इंडेफिनिट तो ही तो होगा ना, और जब ये होगा तो यहां क्या होना चाहिए? यहां फिर आंसर क्या होना चाहिए? यहां आंसर सी होना चाहिए। यहां कौन सा आंसर होना चाहिए? यहां आंसर सी होना चाहिए, रोज अनदर टू फीट। अब ऑप्शन में लिखा है वुड रेज अनदर टू फीट, ये हो नहीं सकता। फिर लिखा हुआ कि रेज अनदर टू फीट, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, आंसर सी ही बच रहा है, क्योंकि डी इंप्रूवमेंट तो हो ही नहीं सकता। संज्ञा सुमन, अच्छा सर समझ में आया बेटा, सीओ में आ दो, हमें आ गया जी बेटा। संतोष, रोज अनदर टू फीट जी बेटा। सादाब राजा सी जी बेटा। सूरज यादव जी सर, रोज अनदर सी। क्लियर हो रहा है कि नहीं? अगर ना समझ में आया हो तो मैं फिर से बताऊं। अब देखिए लिखा है आफ्टर द हैवी रेन्स लास्ट वीक, पिछले सप्ताह के भारी बरसात के कारण क्या हुआ? द वॉटर इन द लेक, यानी जो लेक में वॉटर है वो क्या हुआ? रेज्ड नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या हो जाना चाहिए? रोज होना चाहिए, उठा, अपने आप उठा। अनदर टू फीट, दो फिट और, तो यहां वुड तो लगेगा नहीं, भले पास्ट में लेकिन वो सेंस नहीं देगा, है ना। रेज अनदर, ये तो सेंटेंस ही नहीं है, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वहां लास्ट वीक लिखा है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता बी। फिर क्या लिखा हुआ? रोज अनदर जी बेटा। तो आंसर क्या होना चाहिए? सी ही हो रहा है। अर्पित दुबे, क्लियर हो रहा है सर, बहुत बढ़िया। आशीष यादव आ गया सर, सर हमें नहीं देखे अपने, मैंने सही बोला था। अच्छा रजत द्विवेदी जी बेटा, जी बेटा जी, ठीक है ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। एक बार फटाफट लाइक कर दो यार, आगे बढ़ते हैं, एक अगला प्रश्न लिखते हैं, समझ में आ गया है ना, तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें देखिए कोई प्रीपोजिशन तो नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है ना। लेक मतलब क्या होता है? झील। एक होता है लैक, LAC के लैक, लैक का मतलब क्या होता है? कमी, है ना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं जरा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? एक क्वेश्चन उसी सीट में और होगा, एक क्वेश्चन जी, एक क्वेश्चन और है उसी सीट में, जरा देखिएगा उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द इन्फ्लेशन रेट, ये भी SSC का क्वेश्चन है, रेज, RAIS, रेज टू 10%, टू कितना? टू 10% तक, टू 10% लास्ट मंथ, पिछले सप्ताह। आप देखो लास्ट मंथ लगा हुआ है, तो लास्ट मंथ लगा हुआ है तो सेंटेंस किस में होना चाहिए? पास्ट में होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। अब देखो यहां अंडरलाइन कौन किया है? रेज को, तो ये तो ऑलरेडी गलत है, क्योंकि लास्ट मंथ लगा है तो डेफिनेटली पास्ट में होना चाहिए। जब पास्ट में होना चाहिए तो ये देखो रेज लिखा हुआ है, ये रेज। आज सर की क्लास नहीं चलेगी, जो स्पेशल UPGS चलता था, तो मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूं इसको आगे। रेज जो लिखा हुआ है, क्योंकि लास्ट मंथ जो है वो पास्ट में होना चाहिए, जब पास्ट में होना चाहिए, खासतौर से पास्ट के इंडेफिनिट में होना चाहिए, तो यहां वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब जरा देखो ऑप्शन ए क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन ए लिखा हुआ है रोज, ऑप्शन ए क्या लिखा हुआ बेटा? रोज। ऑप्शन बी क्या लिखा हुआ है इसमें? राइज। ऑप्शन सी क्या लिखा हुआ है इसमें? रेज। ऑप्शन सी क्या लिखा हुआ है? रेज, सॉरी रेज्ड होना चाहिए, रेज्ड लिखा हुआ है। और ऑप्शन डी क्या लिखा हुआ? ऑप्शन डी लिखा हुआ है नो इंप्रूवमेंट। ऑप्शन डी क्या लिखा हुआ बेटा? नो इंप्रूवमेंट। तो अब देखिए जरा क्वेश्चन कौन सा हो रहा है, फटाफट में जरा आंसर लिख के भेजिएगा। ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी,
लेकिन ऑप्शन शायद इसमें गलत लिया हुआ है। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, सही है। जरा हमें बताइए, अरे इन्फ्लेशन रेट की बात हो रही है, इन्फ्लेशन रेट भी, इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति भी अपने आप घटती और बढ़ती ही है। जरा बताइए हमें, मुद्रास्फीति की बात हो रही है, मुद्रास्फीति, संज्ञा सुमन सी होगा सर, सी कैसे होगा, ए नहीं हो सकता क्या? द इन्फ्लेशन रेट, बताइए बेटा, सर क्लास चलेगी, बताइए बेटा जल्दी, इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन रेट भी क्या होता है, यह भी मुद्रास्फीति है, मुद्रास्फीति को बढ़ाया नहीं जाता, मुद्रास्फीति को बढ़ाया नहीं जाता, यह भी क्या होना चाहिए, यह भी रोज ही होना चाहिए। आ रही बात समझ में, इसे जानबूझकर घटाया बढ़ाया नहीं जाता, इसलिए यहां रेज के स्थान पर क्या होना चाहिए, रोज होना चाहिए। इसलिए आंसर कौन सा होना चाहिए, ए होना चाहिए। बहुत तगड़ा इमोशनल हो जाते हैं आप लोग, आ रही बात समझ में, यहां आंसर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। सुनील कुमार लेट आए हैं आज, कोई बात नहीं बेटा, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट तो अपने आप बढ़ता घटता है। जी बेटा, निवि यादव, अदिति शर्मा ने बताया, निवि यादव यस सर, सुधा मदेसिया ए, देव यादव निवि, विपिन सुधा, ये वाला गलत हो गया, शिवम, नीरज कुमार, आशीष कुमार, शिवम, ठीक है, हाँ आशीष कुमार सर, पास्ट में है इसलिए रोज, जी बेटा पास्ट में इसलिए, एक्चुअली पास्ट इंडिकेटिंग वर्ड लिखा हुआ है ना, देखो लास्ट मंथ, लास्ट डे, लास्ट ईयर, है ना, ये सब क्या है, ये सब पास्ट इंडेफिनिट में यूज होने वाले एडवर्ब ऑफ टाइम है ना, तो हमें ये बात ध्यान में रखना है कि सेंटेंस किस में होना चाहिए, पास्ट के इंडेफिनिट में। इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन का रेट का मतलब होता है मुद्रास्फीति की दर, रोज टू 10%, 10% तक बढ़ गई लास्ट मंथ, पिछले महीने, इसलिए यहां आंसर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब जरा पीछे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा आप लोगों ने, ओके जरा पीछे चलने की, ये भी देखो एसएससी का क्वेश्चन है, आ रही बात समझ में ना, चलो जरा पीछे चल के देखते हैं। अगेंस्ट दोज रेज्ड प्रो आजादी, यानी जिन्होंने आजादी के नारे लगाए, फिर एंड एंटी इंडिया स्लोगन्स, और भारत विरोधी स्लोगन्स, स्लोगन्स मत का मतलब क्या होता है, स्लोगन्स का मतलब होता है नारा, और अगर प्लूरल नंबर में तो क्या हो जाएगा, नारे, जैसे हम लोग नारे लगाते हैं ना 15 अगस्त और 26 जनवरी पे, तो क्या है, स्लोगन है। सूरज यादव सर अब क्लास खत्म हो गई क्या, नहीं बेटा अभी दूसरी क्लास नहीं चलेगी ना, इसलिए मैं 2-4-5 मिनट आपको बढ़ा लेता हूं, ये पूरा लाइन जो है मैं वो पढ़ा लेता हूं। अब देखो लिखा हुआ ड्यूरिंग, ड्यूरिंग दौरान, या इसकी मीनिंग होती है के दौरान, ये क्या है, ये है बेटा प्रीपोजिशन, ये क्या है, ये प्रीपोजिशन है जिसका मतलब होता है ड्यूरिंग, दौरान, के दौरान, लिखते चलिएगा। आ रही बात समझ में ना, नारा इंकलाब जिंदाबाद, जी है ना। अब मुहर्रम प्रोसेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, लिखते चलिएगा बेटा, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, मैं आगे आपको बताता हूं, प्रोसेशन शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, लिखते चलिएगा, है ना। वर्ड लिखा है प्रोसेशन, पी आर ओ सी ई डबल एस आई ओ एन, अब ये वर्ब भी है और नाउन भी है, ये वर्ब भी है और क्या है, ये वर्ब होने के साथ साथ नाउन भी है, तो जब नाउन होता है तो इसका प्रोसेशन का मतलब क्या होता है, प्रोसेशन का मतलब हम ऐसा समझ सकते हैं, जैसे जब हम लोग 15 अगस्त या 26 जनवरी पर रैली निकालते हैं ना, जुलूस, तो ये क्या होता है, जुलूस होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जुलूस, जब नाउन होता है तो मीनिंग क्या होता है, जुलूस। अब यार जुलूस ऐसे लिखते हैं, हाँ शायद ऐसे लिखते हैं, रैली या जुलूस, है ना यार, अपनी हिंदी थोड़ी गड़बड़ है तो देख लीजिएगा, है ना। और जब वर्ब होता है तो इसका मतलब क्या होता है, जुलूस निकालना, क्या मतलब होता है, जुलूस, जुलूस निकालना या रैली निकालना, है ना, या रैली निकालना, या रैली जो है वो बेटा रैली निकालना, या रैली निकालना, जुलूस निकालना, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि प्रोसेशन है, जब इसका V3 और V4 फॉर्म बनेगा तो प्रोसेशन हो जाएगा, जब ये वर्ब होगा तो इसका फॉर्म क्या बन जाएगा, तो इसका फॉर्म बन जाएगा, देखो अब जब ऐसा यून लगा तो आप कह दो कि सर नाउन है, लेकिन यार एक्चुअली वर्ब भी होता है, इसीलिए यहां इसको लिखना जरूरी है, प्रोसेशन बनेगा, फिर क्या बनेगा बेटा, प्रोसेसंड बनेगा। आ रही बात समझ में ना, ये V2 और V3 फॉर्म बनेगा, और ये क्या होगा, ये दोनों फॉर्म होता है, ये V2 भी होता है और ये V3 भी होता है, और जब ING बनेगा तो क्या बन जाएगा, प्रोसेसिंग बन जाएगा, क्लियर है ना। अब देखना ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, SSC में इसे इतने बार क्वेश्चन पूछे गए, SSC से इतने बार। अच्छा अर्पित दुबे सर, जुलूस में जू छोटा होता है, अच्छा ठीक है मैं बना दिया, ओके हाँ जुलूस ठीक है, थैंक यू। तो अब क्या, प्रोसेशन, जुलूस या रैली, ठीक है।
अब एक्चुअली बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, ये इतना महत्वपूर्ण शब्द है कि इससे कई बार सवाल पूछा गया। एक्चुअली इसके भी प्रोनाउंसिएशन का सवाल है, श स से भी तो प्रोनाउंस हो रहा है, तो प्रोनाउंसिएशन का सवाल यहां भी बन रहा है। स्पेलिंग एरर में कई बार ये सवाल पूछा गया, तो आपको ध्यान रखना है कि स्पेलिंग एरर में ये क्वेश्चन कैसे बना के लाए हैं। अरे बात समझ में ना, देखते चलिएगा, है ना, एकदम समझने की कोशिश करिएगा। मैं अगला क्वेश्चन ही आपके सामने लिख देता हूं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। एसएससी का क्वेश्चन देख लीजिए आप कि एसएससी ने क्वेश्चन कैसे पूछा गया था। देखिए एसएससी ने जो ऑप्शंस लिखे, पहले क्वेश्चन लिखे पी आर ओ सी ई, उसके बाद टी आई ओ एन, इसका पहला ऑप्शन था प्रोसेशन का। दूसरा जो ऑप्शन था पी आर ओ सी ई एस एच आई ओ एन, प्रोसेशन। अगला शब्द पूछा गया पी आर ओ सी ई, फिर पूछा गया एस आई ओ एन, और फिर जो डी वाला ऑप्शन था पी आर ओ सी ई डबल एस आई ओ एन। इन चारों में से हमें एक सही ऑप्शन चुनना था, इन चारों ऑप्शंस में से हमें एक स्पेलिंग सही वाला शब्द चुनना था, क्योंकि ये प्रोनंसिएशन के आधार पर बना हुआ प्रश्न है ना। क्योंकि अब देखो टी टी आई ओ एन का भी क्या प्रोनंस होता है, श। एस एच आई ओ एन का भी क्या होता है, श। एस आई ओ एन का भी, डबल एस आई ओ एन का भी क्या होता है, श। तो इन, और देखो सी सी का भी प्रोनंसिएशन क्या होता है, श। तो एक्चुअली सवाल ऐसे ही प्लान करके बनाया इन्होंने। अब देखो जरा प्रोसेशन, जरा देखो सभी बच्चों ने एकदम सही जवाब भेजा है, सुधीर कुमार, निधिया, शिवम यादव, लास्ट वाला अतुल, अंश, वंशिका, निवि, है ना, अतुल, सुधीर, शिवम, अतुल, शिवम, जी बेटा, बहुत सही, बहुत बढ़िया। तो मुझे ऐसा लगता होगा कि आपके दिमाग में अब चीजें फ्रेम हो रही होंगी कि सवाल हमारे एग्जाम में कैसे बनेगा, ये बारीक नजर हम पढ़ते हुए कैसे निकालेंगे। ये बारीक नजर हमें तब बनेगी जब हम बहुत छोटी 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 बातों पर गौर करेंगे। आ रही बात समझ में ना, तो हमें बहुत छोटी बातों पर गौर करने की जरूरत है। ये भी गलत है क्योंकि टी नहीं होगा, फैशन में यस होता है उसके हिसाब से ये लगा दिया, ये नहीं होना चाहिए था। अब सिंगल एस लगाया है तो प्रॉब्लम हो सकती है, और यहाँ जो होता है वो कौन सा होता है, डबल एस होता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि साउंड पर और डबल लेटर पर और साइलेंट लेटर पर आपको ध्यान रखना है। जब आप स्पेलिंग एरर वाले क्वेश्चन करें तो ध्यान रखिएगा साउंड, खासतौर से प्रोनंसिएशन वाले वर्ड आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। कि मान लीजिए अगर किसी का प्रोनंसिएशन गड़बड़ हो रहा है तो वो देखना है। साथ ही साथ डबल लेटर्स, जो डबल लेटर वर्ड होते हैं उनके ऊपर भी आपको ध्यान में रखना है। जो वॉवेल वाले शब्द हैं उनको भी ध्यान रखना, वॉवेल वर्ड्स, वॉवेल डबल वर्ड्स को भी ध्यान में आपको रखना है। और साथ ही साथ जो चौथा महत्वपूर्ण है वो साइलेंट वर्ड्स को भी आपको ध्यान में रखना है। आ रही बात समझ में ना, तो ये चार एंगल जब आप क्लियर करेंगे या जब आप चार एंगल्स पर आप ध्यान रखेंगे तब जाकर के आपके स्पेलिंग एरर वाले जो सवाल है वो क्या होते जाएंगे, वो क्लियर होते जाएंगे। आ रही बात समझ में ना, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लियर हो रही बेटा, ओके। तो इसका फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक एसएस ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा अब देखने की कोशिश करिएगा क्या लिखा। प्रो आजादी यानी फ्रीडम का नारा लगाया, ऑन द आउटस्कर्ट्स। अब देखो जरा यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आउटस्कर्ट्स। अब ये आउटस्कर्ट्स, ये नाउन चैप्टर में पूछे गए सवाल है, इसका मतलब होता है शहर का बाहरी हिस्सा, शहर का बाहरी हिस्सा, शहर का बाहरी हिस्सा। और ये ऐसा नाउन होता है जो हमेशा कौन से नंबर में होता है, जो हमेशा प्लूरल नंबर में होता है, यानी उसके साथ एस तो लगना ही लगना है। मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, आउटस्कर्ट्स का मतलब होता है शहर का बाहरी हिस्सा। आ रही बात समझ में ना, और इस शहर के बाहरी हिस्से वाले अर्थ में आपको यह बात देखना ध्यान में कि ऐसा नाउन है जिसके साथ यस जो है वो हमेशा लगा रहता है। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं, एसएससी ने एक प्रश्न पूछा था यहां से, एसएससी ने जो क्वेश्चन पूछा था मैं वही प्रश्न आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, शायद नहीं है प्रश्न मेरे पास, ठीक है, नहीं है, है ना। आउटस्कर्ट से क्वेश्चन पूछा था कि द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेटअप इंडस्ट्रीज आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, है ना, मैं लिख देता हूं, मुझे याद है थोड़ा सा, है ना, तो लिखते हैं कि द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड, ऑप्शन ए,
द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेट अप इंडस्ट्रीज ऑप्शन बी आउट स्कर्ट ऑफ द सिटी फुल स्टॉप ऑप्शन सी नो एरर इज ऑप्शन डी. ऐसे ही प्रश्न था कुछ, है ना, प्रश्न कुछ ऐसा ही था, है ना. हो सकता है कि एक दो वर्ड इसमें मिसिंग हो एग्जैक्ट, लेकिन एक्चुअली क्लियर क्वेश्चन का जो मोटिव था वो कुछ ऐसा ही था. चलिए बनाइए जरा फटाफट में आंसर दीजिए. आदित्य शर्मा प्लूरल नंबर का, जी बेटा. राहुल कनौजिया नाइस सर, जी बेटा. शिवम यादव, अर्जुन प्रजापति वंशिका, जी बेटा. लगभग सभी बच्चों ने सवाल का जवाब बिल्कुल सही दिया है, ठीक है ना. चलिए बताइए बेटा फटाफट करते चलिए, कौन सा आंसर होना चाहिए. जी बेटा यहां सी होना चाहिए, यहां आउट स्कर्ट के जगह पर क्या होना चाहिए, यहां आउट स्कर्ट के जगह पर होना चाहिए आउट स्कर्ट्स. क्या होना चाहिए बेटा, आउट स्कर्ट्स होना चाहिए. आ रही बात समझ में ना, यहां आउट स्कर्ट की जगह पर क्या होना चाहिए बेटा, आउट स्कर्ट्स होना चाहिए. बहुत बढ़िया, लगभग सभी बच्चों ने एकदम सही जवाब दिया है, क्योंकि ये ऐसा नाउन है जो हमेशा कौन से नंबर में रहता है, जो हमेशा प्लूरल नंबर में ही रहता है. क्लियर हो गया. अब देखो नाउन से भी क्वेश्चन बन गया, ठीक है ना. तो न्यूज़पेपर अगर बोर्ड पे लगा देते तो हम इतना कहां कर पाते, इतना मौका नहीं मिलता अपने पास करने को, है ना. चलिए तो आप सभी लोगों का बहुत सारा थैंक यू सो मच. आ रही बात समझ में. अब हम लोगों की मुलाकात होगी आज शाम को ठीक 4 बजे. ओके, तब तक के लिए जय हिंद. अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए और खूब मस्त रहिए, है ना, और जम के पढ़ाई करिए और बिल्कुल चिंतित मत होइए. जो भी होएगा जीवन में वो बहुत अच्छा होएगा. आ रही बात समझ में ना. थैंक यू सो मच. बाय बेटा.